गुड मॉर्निंग। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा डेसिमल का है। हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, बस इसमें मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट डेसिमल भी है, तो डेसिमल को ख़त्म कर देते हैं टॉपिक। डेसिमल क्या होता है, इसका कुछ क्या अलग अलग टाइप्स के हैं, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, फिर इंटीग्रल, अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम आपको सब चीज़ें क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कोई भी अगर डेसिमल क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर है हमारा, मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 3, 5, 7, ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल लगा है, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, ये हमारा जो ये नंबर जहाँ पे डेसिमल लगता है वो हमारा डेसिमल को शो करता है। उसके ये इस साइड नंबर, इस साइड के नंबर होते हैं वो राइट साइड के होते हैं, और इधर जो नंबर है वो अटैक लिखे जाते हैं, मतलब कि जो डेसिमल जो इस साइड की वैल्यू होती है लेफ्ट साइड की, उसकी अधिक वैल्यू होती है, बल्कि राइट वाले की कम होती है। मेरे कहने का मतलब इस तरह है, आप समझ सकते हो। देखिए पहले तो इसको मैं लास्ट में क्लिक करता हूँ आपको, ठीक। देखिए तो डेसिमल को दो चीज़ों में बांटा गया है, दो बार में, एक लाइक डेसिमल और दूसरा है अनलाइक डेसिमल, ठीक है। एक हो गया लाइक डेसिमल, एक हो गया अनलाइक डेसिमल। तो जो लाइक वाला है ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं, उसमें डेसिमल दिया है, मतलब ठीक है, कोई नंबर दे दिया यहाँ पे 2, ठीक है, डेसिमल हो गया, तो जो यहाँ डेसिमल के बाद जो राइट वाली वैल्यू आएंगी, मान लीजिए यहाँ 3 है 2 है 3 है, ये कोई और नंबर है 12 है 2 0, या ऐसे करके आपको लिख लो 3 9, ऐसे करके 16 दे दिया है। तो लाइक डेसिमल ये कहता है कि कभी भी डेसिमल के राइट वाली वैल्यू अलग अलग नंबर में जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब डेसिमल के राइट साइड में अगर जितने डिजिट हैं वो सारे नंबर में सेम हैं, उसके बाद तो ये क्या हो गया हमारा लाइक डेसिमल हो गया। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है यहाँ भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, ये क्या हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया, अरे सॉरी लाइक डेसिमल हो गया। अनलाइक क्या कहता है कि डेसिमल के बाद राइट साइड में चाहे 2 नंबर आए, चाहे 3 नंबर का, चाहे 2 डिजिट का आए या 3 डिजिट आए डेसिमल के राइट साइड में, तो वो क्या होगा हमारा अनलाइक होगा। देखिए यहाँ पे हो गया 1, ये कोई नंबर ले लो 4 6 0 2, कोई नंबर 3 9 7 8, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, आप देख रहे हो कि जो डेसिमल के बाद जो राइट वाला चीज़ है और डिजिट है ये अलग अलग हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें क्या था 2 2 2, इसमें कॉमन है। लाइक में क्या होगा डेसिमल में कि जो डेसिमल के राइट साइड की वैल्यू होंगी हमारी वो सारी सेम होंगे, सेम डिजिट को होंगी, 2 2 डिजिट की हैं। और जो अनलाइक में क्या होगा, डेसिमल के बाद जो भी राइट डिजिट आती हैं वो अलग अलग होंगी, मतलब फिक्स डिजिट की नहीं होंगी, सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लाइक डेसिमल, ये हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल, ठीक है। और से दिखाता हूँ, एक होता है वर्ड आता है इंटीग्रल, ओके इंटीग्रल, ठीक है, हो गया हमारा इंटीग्रल। दूसरा आता है हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है। इंटीग्रल क्या कहता है कि जो भी, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हमारा, कोई नंबर है हमारा, ठीक है, मान लीजिए नंबर दिया है 3 6 1 3 2, तो इंटीग्रल कहता है कि कभी भी वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड इंटीग्रल, ठीक है। क्या जाएगा हमारा इंटीग्रल, मतलब कह रहा है कि जो भी
पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो ये राइट वैल्यू होगी ये वाली क्या हो जाएगी, ये हमारी इंटीग्रल हो जाएगी। और जो भी राइट साइड की हैं, ये तो लेफ्ट हो गया, जो ये डेसिमल के बाद ये जो ये हो गया राइट हो गया, जो ये वाला हुआ हमारा क्या हो गया, सॉरी ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। जो ये राइट वाला है ये क्या कसो करेगा डेसिमल नंबर को, तो मतलब कि जो पॉइंट के बाद डेसिमल से पहले, मान लीजिए डेसिमल मैं डेसिमल हूँ ठीक है, तो ये जो हमारा ये लेफ्ट साइड है इधर जो भी नंबर होंगे वो इंटीग्रल होंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड, और राइट साइड में जो भी नंबर होंगे वो हमारा डेसिमल नंबर बोले जाएंगे या डेसिमल पार्ट्स बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर या और डेसिमल पार्ट्स ठीक है, और कर लो लिख लो ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हो। डेसिमल में क्या देख लिया हम, इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट्स, ये और जो करके लाइक अनलाइक ये हमारे डेसिमल की चीजें हैं ठीक है। इसको आप देखो नंबर्स को हम मतलब कोई मान लो कोई नंबर दिया है हमारा 3, 6, 5, 1, 2 ठीक है, इसको क्या लिखना है राइट इन वर्ड्स ठीक है, ठीक है इसको क्या करोगे आप लिखने के लिए, इसको कैसे लिखोगे आप देखिए, जो ये वाला नंबर है इसको तो हम इतनी जैसे से सेम लिखते हैं, किसी को नंबर मान लीजिए दिया और 200 दिया तो उसको लिखते हैं 200, या 212 नंबर दिया लिखते हैं 212, वैसे इसको लिखना है सेम ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप नंबर में 3 है 100 वैल्यू है 1, 10, 100 क्या लिखोगे इसका 300 65 ठीक है, ये क्या होगा डेसिमल और ये देखो पॉइंट ये देखो पॉइंट ठीक है पॉइंट 1, 2 ऐसे आप लिखोगे ठीक है। तो कभी भी जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम डेसिमल के पहले इस तरह लिखेंगे, और जो डेसिमल के बाद वाले वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब इसको हम मिला के लिखेंगे टोटल बताएंगे, और जो डेसिमल के राइट वाले वैल्यू है इसको हम एक एक नंबर को करके ऐसे लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब भी वर्ड्स में लिखेंगे डेसिमल की वैल्यू को हम, तो हम ऐसा क्या लिखेंगे 365 पॉइंट, इसको आप पॉइंट दे लो पॉइंट लिख लो आप ठीक है, ओके पॉइंट 1, 2 ठीक है, ये हमारा डेसिमल में हो गया। ये कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, और